कहते हैं कि भगवान कुछ लोगों की किस्मत सोने की कलम से लिखता है, और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे सामने है ईशा अंबानी का, जिनका जन्म 1991 यानी कि 1991 में एक ऐसी फैमिली में हुआ जिसमें ऐशो आराम की सारी चीजें पहले से ही मौजूद थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईशा अंबानी के पिता का नाम मुकेश अंबानी है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार है, और वो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें ईशा अंबानी की माँ की, तो नीता अंबानी अपने सोशल कॉजेज ऑफ वर्क के लिए काफ़ी जानी जाती हैं। इसके अलावा वो रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं। लेकिन इन दोनों के वर्किंग होने के बावजूद भी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश काफ़ी अच्छे से की है, जिसकी झलक ईशा आकाश अनंत के रहन सहन और उनके बिहेवियर में भी साफ नजर आती है। इसके अलावा अगर बात करें ईशा अंबानी की एजुकेशन की, तो ईशा ने साइकोलॉजी और साउथ एशियन स्टडी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। लेकिन आपको बताते चलें कि ईशा अंबानी को सबसे ज्यादा लाइमलाइट उस वक्त मिली जब वो साल 2008 में आई फोर्ब्स बिजनेस मैगजीन द्वारा जारी की गई लिस्ट में दूसरे सबसे यंगेस्ट अरबपतियों की लिस्ट में उभर कर सामने आई, और इस लिस्ट में शामिल होने के दौरान उनकी नेटवर्थ खबरों के मुताबिक 471 करोड़ यानी कि 4071 करोड़ रुपए के आसपास थी। लेकिन शुरू से ही बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली ईशा क्या इंटरेस्ट देखते हुए पापा मुकेश अंबानी ने उन्हें साल 2014 अक्टूबर में रिलायंस जियो प्रोसेस और रिलायंस रिटेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट में शामिल कर दिया। फिर साल 2015 में उन्हें एशिया की सबसे पावरफुल अपकमिंग बिजनेस वुमन के रूप में भी देखा गया और बताया गया, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी अचीवमेंट ईशा के लिए थी। अगर बात करें ईशा अंबानी के वर्किंग एक्सपीरियंस की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें ईशा अंबानी ने बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर भी मैकिन्स्की एंड कंपनी में काम किया है। ईशा अंबानी के बारे में तो ये बात हर कोई जानता ही है कि अंबानी परिवार भारत का सबसे अमीर परिवार है, और ये ऐसा परिवार है जिसमें ईशा को पलकों पर बिठाया जाता है, यानी कि पूरी अंबानी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा लाडली हैं ईशा अंबानी। इसके अलावा अगर बात करें इनके फैमिली मेंबर्स की, तो माँ बाप होने के अलावा इनके दो भाई भी हैं जिन्हें हर कोई जानता है। आकाश अंबानी रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के डायरेक्टर हैं, और अनंत अंबानी अपना ग्रेजुएशन ब्राउन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रहे हैं। ईशा अंबानी के अगर हम पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबी की बात करें, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईशा को खेल कूद का बड़ा ही शौक शुरू से रहा है। वो अपने स्कूल में भी फुटबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। उन्हें पियानो बजाने का भी बेहद शौक है, और अपनी माँ की तरह यानी कि नीता अंबानी की तरह ईशा को भी बेहद फैशनेबल लाइफ जीने का और लग्जीरियस तरीके से रहने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, और यकीनन उनके हर पार्टी में स्पॉट की गई ड्रेसेस, मेकअप और ज्वेलरी को देखकर आप इस बात का साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों माँ बेटी हैं कितनी ज़्यादा फैशन लवर। इसके अलावा वो अपनी स्टाइल ऑफ फैशन और ड्रेसेस की कॉज के लिए भी आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। आगे अगर बात करें ईशा अंबानी की पढ़ाई पर खर्च होने वाले रुपए की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ग्रेजुएट हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन स्कूल बिजनेस इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की है। जानकारी के लिए बता दें जहां से ईशा ने अपनी स्टडी कंप्लीट की है वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो वहीं अगर खबरों की माने तो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक एमबीए की पढ़ाई के लिए पर कैंडिडेट को पहले साल में एक क्वार्टर के लिए $22,956 चुकाने पड़ते हैं, जिसका मतलब है कि एक साल की ट्यूशन फीस ₹61,52,208 है। तो वहीं दूसरे साल की पढ़ाई में एक क्वार्टर की फीस ₹59,44,240 होती है, जिसमें कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही है। इसके अलावा पढ़ाई के लिए हर स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, स्पेशल फीस, हाउसिंग फीस,
मील प्लान जैसी चीजों का पेमेंट अलग से करना पड़ता है। तो वहीं रिपोर्ट्स की माने तो ईशा इससे पहले साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल कर चुकी है और अब वो एमबीए ग्रेजुएट भी हो गई हैं। तो वहीं मैकिन्स्की और कंपनी में भी वो काम करके अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि ईशा अजय पिरामल के बेटे आनंद पिरामल से इंगेजमेंट भी कर चुकी है और सोर्सेस की माने तो जल्द ही ये दोनों शायद इस साल के विंटर्स तक शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। नेक्स्ट 9 लाइव न्यूज रूम की रिपोर्ट।